मालूम अगर बुरा ना लगे और तुम्हारे बस में अगर हो तो भूल जाना मुझे, तुम्हें बुलाने में शायद मुझे जमाना लगे। सो हेलो एंड वेलकम गाइस। सो गाइस कैसे हो यार आप सभी लोग मेरे भाई। यो सो गाइस यार सबसे पहले कमेंट करके आप सभी लोग मेरे को अपनी रैंकिंग बताओ। एंड गाइस यार आपको क्या लगता है सीजन की खत्म होने से पहले मैं कौन कर लूँगा इस सीज़न फिर से या फिर नहीं कर पाऊँगा? तो यार यहाँ पर कुछ मेरे माइनस देख लो यार, मतलब 19 का माइनस, 38 का माइनस और 23 का माइनस और 9 का माइनस। यार क्या ही बोलूँ, मतलब दिल से बुरा लगा आज, बहुत ही ज़्यादा माइनस लगा है मेरा। मतलब आपको बताओ ना, जो ये लास्ट के मैंने प्लस लेना 19 का प्लस और 14 का प्लस, वो मैंने नॉर्मल इरेंगल में ही लिए हैं। एंड गाइस मैं आपको सिर्फ सिंपल एक ही टिप देना चाहूँगा और उसका रीज़न भी बताऊँगा। अगर देखो आपका मतलब ये नॉर्मल इरेंगल में आप रैंक पुश कर रहे हो, खैर नॉर्मल में नहीं करोगे, ज़्यादातर सब बंदे ये इवेंट वाले में कर रहे हैं क्योंकि उसके अंदर भाई किल्स मिलते हैं। और वो कैसे मिलते हैं वो आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, आप इतने दिनों से खेल रहे हो आपको पता ही है। तो उसमें ज़्यादा किल्स मिलते हैं नॉर्मल इरेंगल से, मतलब कंपेयर करें तो। तो गाइस सर देखो आपको सिंपल कुछ काम नहीं करना, अगर आपका ये इवेंट वाले मोड में माइनस लग रहा है तो देखो आपको सिंपल क्या काम करना है, नॉर्मल इरेंगल खेलना है। और आप नॉर्मल इरेंगल में पुश कर रहे हो तो इवेंट वाला खेलो, क्योंकि यार देखो अगर आप कुछ नया नया खेलोगे ना तो आपका थोड़ा सा बहुत मूड अच्छा रहेगा। आप देखो बहुत दिनों से सिर्फ ये स्ट्रैटेजी यूज़ कर रहे होगे कि मतलब आपको क्या काम करना है, मिरर वर्ल्ड में उतरना है सीधा और उसके बाद फिर नीचे जाना है जब भी आपकी पेटी बनती है, फिर जब भी आप मतलब वो ख़त्म होता है उसके बाद सीधा फिर दोबारा से चैंपियन आइलैंड पर जाना है, आपका कैरेक्टर चेंज होता है वहाँ पर और उसके बाद फिर दोबारा से चैंपियन आइलैंड पर जाना होता है। तो मतलब आपके दिमाग में दो चीज़ चलती है, एक तो भाई सर्वाइवल की, हाँ सर्वाइव भी करना है, और आपके दिमाग में चलती है एक ये चीज़ कि भाई किल्स भी निकालने हैं। तो ये चीज़ मेरे दिमाग में चलती है बहुत ज़्यादातर। तो मेरे को आपको तो मतलब मेरे को आपका तो नहीं पता, पर लेकिन जो मेरा थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है मैं वो आपको बता रहा हूँ। तो सिंपल अगर आपका माइनस लग रहा है ना तो आप एक दो बार गेम खेलकर ट्राई कर लो, अगर नॉर्मल इरेंगल से ये इवेंट वाले में या फिर इवेंट वाले से ये नॉर्मल इरेंगल में। तो मतलब मेरा थोड़ा बहुत फोकस था अभी गेम के अंदर जब मैं इस गेम को खेल रहा था नॉर्मल वाले को, वरना जब मैं ये इवेंट वाला खेल रहा था तो मेरे दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चलती हैं एक टाइम पर ही। पर लेकिन जब भी आप नॉर्मल वाला खेलते हो तो आपके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ चलेगी कि हाँ भाई मुझे सर्वाइव करना है इस गेम में और कैसे भी करके प्लस लेना है अच्छा खासा। तो यार देखो फालतू की बकचोदी बहुत ज़्यादा हो चुकी है, अगर आपको कुछ समझ में आ चुका है तो मेरे को कमेंट करके बता दो, और कुछ नहीं आया है तो मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हो, वहाँ पर मैं आपको सही तरह से बता दूंगा, चाहे कितने भी लंबे लंबे मेरे को कमेंट करने पड़ जाए। और यार आप कमेंट क्यों नहीं करते मेरे को समझ नहीं आता, मैं तो रिप्लाई भी देता हूँ, भाई मजाक हो रहा है क्या जिंदगी के साथ? तो सबसे पहले तो देखो सामने की तरफ मेरे को ये दो बंदे स्पॉट होते हैं और यहाँ पर मैंने टीममेट को बोला था, मतलब पहले तो इन बंदों ने फ्लेयर गन मंगाई थी यहाँ पर और मैंने टीममेट को बोला था भाई जब इनकी फ्लेयर आ जाएगी ना अभी तो इनको मारेंगे नहीं, पर लेकिन जब ये ड्रॉप लूटने के लाएंगे ना तब इनकी पेटी बना देंगे हम इस गेम के अंदर। तो देखो यार ये बंदे जो थे मतलब इनकी फ्लेयर गन आ गई थी, मतलब फ्लेयर ड्रॉप आ गया था यहाँ पर और ये वाले घर से मेरे को काफ़ी अच्छा खासा एंगल मिल रहा था और मैं इस जगह पर आ जाता हूँ उन बंदे को देखने के लिए। और गाइज ये जो मतलब इनका ड्रॉप था फाइनली नीचे गिर चुका था, अभी दिखा दे। और ये बंदा स्मोक करा और भाई साहब देखो बस तुम्हारा भाई किस तरह से इनकी पेटी बनाता है। तो ये बंदे को मतलब मैंने पूरी नॉक एंड फिनिश करने को उस करी पर, लेकिन ये भाई साहब नॉक एंड फिनिश नहीं होता। तो सबसे पहले नेट ट्राई करते हैं यहाँ पे, एंड गाइस सर यहाँ पर मेरे पास जितनी भी नेड मोली थी ना सब कुछ मैं यहाँ पर फेंक देता हूँ। फिर देखो ये जो बंदा था ये यहाँ से भागने की कोशिश कर रहा था और मेरे को उसके फुटस्टेप आ जाते हैं कि ये बंदा सामने की तरफ से भाग रहा है। और फाइनली मैं इस वाले बंदे को यहाँ पर किल कर देता हूँ और अभी मेरे 6 किल्स हो गए थे, किल्स मेरे थोड़े से कम थे पर लेकिन कम से कम मेरा एक टारगेट था इस गेम के अंदर कि हाँ मुझे इस तरह से गेम खेलना है। पागलों की तरह कुछ भी चीज़ दिमाग में नहीं आ रही थी तो मेरे को काफ़ी अच्छा लग रहा था ये गेम खेलने में इस टाइम पे। तो यार देखो फिर उसके बाद हमारे ऊपर जोन हट चुका था और सीधा मैं आ रहा था आगे की तरफ,
एंड गाइस आपको मैं यहाँ पर बताऊँ तो मैं क्राउच नहीं करना चाहता था, स्कोप ही खोलना चाहता था, पर लेकिन क्या ही बोलूँ, चौक सा हो जाता है, थोड़ा बहुत क्राउच हो गया था गलती से। तो देखो यार अभी मैं मूड फ्रेश करने के लिए थोड़ा बहुत ये नॉर्मल इरेंगल ही खेलूंगा, पर लेकिन अगर मेरे को थोड़ा बहुत लगेगा कि इवेंट वाला खेलना चाहिए तो भाई इवेंट वाला भी खेल लूंगा। मतलब आपको सिंपल कुछ नहीं करना, आपको एक तरह से अपना मूड फ्रेश करना है, क्योंकि गाइस जो आप एक ही तरह से रैंक पुश करते करते जो बोर हो चुके हुए ना, उसी चीज़ के से आपका माइनस लग रहा होगा जहाँ तक मेरे को लगता है। क्योंकि भाई सीजन 18 से मैं कौन कर रहा हूँ, मेरे को भी काफ़ी कुछ पता लग ही चुका है अभी रैंक पुश के रिलेटेड। तो यार देखो अभी यहाँ पर जोन काफ़ी छोटा हो गया था और भाई मतलब कहाँ कहाँ से फायर आ रहा था मुझे समझ नहीं आ रहा था, पर लेकिन एक बंदा ओपन में स्पॉट होता है और इस बंदे को मैं यहाँ पर नॉक तो मतलब फिनिश तो कर देता हूँ, पर लेकिन यहाँ सामने एक पत्थर पर भी बंदा था और मेरी वेस्ट यहाँ पर पूरी डैमेज हो चुकी थी और उन बंदे के ऊपर जोन नहीं था और अब यहाँ पर फाइनली 10 सेकंड रह गए थे और उन बंदों को यहाँ पर जोन के अंदर आना था। और मैंने अपने टीममेट को बोला था कि भाई उस बंदे को आने दो आराम से जोन में, तो उसको मत मारियो, पर लेकिन भाई इन्हें तो चनूने काट रहे थे, देखो कैसे गाइस। मैंने मतलब अपने टीममेट को बोल दिया था पहले कि भाई उस बंदे को मैं इजीली मार दूंगा जब वो जोन के अंदर आएगा, तो मैं तो यहाँ पर आराम से अपनी गन चेंज करता हूँ, उतने भाई टीममेट M4 से उस बंदे को भर भी देता है यार, तो मेरे को यहाँ पर दिल से बुरा लगता है। तो यार अभी कर भी कह सकते थे, पर लेकिन कोई बात नहीं, अभी लास्ट के यहाँ पर बचे थे सिर्फ दो बंदे और मेरे 8 फिनिशेस हो रखे थे और भाई सामने तो कोई बंदा नहीं हो सकता, जो भी बंद हो गया तो अपनी राइट में सामने की तरफ हो गया, फिर समझ सकते हो आप कहाँ का मैं बोल रहा हूँ। और आपको याद भी होगा एक बंदा बैरल से हमारे ऊपर फायर भी ले रहा था जब हम स्टार्टिंग में जोन में आए थे शैक के पास, तो मेरे को सामने की तरफ एक बंदा स्पॉट होता है वो पेड़ के पीछे भाई। एंड गाइस यहाँ पर जो किस्मत थी ना वो एक तरह से अच्छी भी थी, मतलब मैंने उसको काफ़ी सही टाइम पर स्पोर्ट करा, वरना अगर मैं उसको स्पोर्ट नहीं करता ना तो यहाँ पर तो हमारी पेटी बनी जाती दोनों की एक साथ में। पर लेकिन उस बंदे को फिनिश कर देता हूँ और अभी यहाँ पर सिर्फ लास्ट का एक ही बंदा बचा था, तो यहाँ पर मैंने सोचा चलो भाई बाहर जाते हैं और इस बंदे को स्पोर्ट करते हैं और इसको ही मार देंगे। MK भाई रिफ्लेक्स लगा कर मारेंगे, पूरा हेडशॉट लगा कर ही मारेंगे भाई, ज़िंदगी बर्बाद कर देंगे बंदे की। तो यहाँ पर जैसे ही आता हूँ तभी ये बंदा मेरे को स्पॉट होता है, पर लेकिन भाई इसको हेडशॉट भी नहीं लगाया और रिफ्लेक्स भी ज़्यादा नहीं लगाया, क्योंकि भाई इस बंदे ने मेरे पर फायर ही नहीं करा था। नॉर्मली इस वाले बंदे को भी इसलिए यहाँ पर फिनिश कर देते हैं और 10 किल्स के साथ विनर विनर चिकन डिनर हो चुका था। सो गाइस आज की आपको ये वीडियो कैसे लगी जल्दी से कमेंट करके बताओ, एंड गाइस नए चैनल पर सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट भी कर ही देना मेरे भाइयों, एंड गाइस ये वीडियो अपनी सभी दोस्त लोगों के साथ शेयर भी कर देना। तो 19 का प्लस मिलता है कोई बात नहीं यार।